गुड मर्निंग हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर भिडियो अहिले चाहिँ हामी पशुपति दिन को अलिकति मुनि 6 माइल गइरहेको छौं। त्यो 6 माइल मा चाहिँ 26 हो त्यो 26 गुबा पातल 6 माइल भन्दा रहेछ मैले सोधेर आको डिटेल्स 26 रे 26 26 भन्दा रहेछ 6 माइल पनि भन्दा रहेछ 4 माइल दिनको मुनि 6 माइल अनि त्यहाँ देरे त गुफा पातल भन्ने एउटा भ्यू पॉइंट छ। आज हजुरहरुलाई म एक्सप्लोर गर्न गइरहेको छु, हजुरहरुलाई म अलिकति हल्का डिटेल्स पनि दिदै दिन्छु है, अनि तपाईहरुलाई त्यो पर गएर फेरि भेट्छु। हामी सबै जना अगाडि नानी बच्चा बच्चीहरु सबै छौ, फेरि भेट्छु तपाईहरुलाई। अगाडि गरेको गाडी त कस्तो रहेछ 10 10 सेकेन्ड हामी कहाँ हुन्छ हो त्यसमा पछाडी 3 जना अगाडि 1 जना त्यसमा अलि अलि नेपालपट्टि देख्दै छ त पारीको चाहिँ नेपाल हो अनि यो चाहिँ सिमाना भ्यू पॉइंट हो। यहाँ चाहिँ एकदमै टुरिस्टहरुको एकदम उयो हुन्छ, राम्रो छ भ्यू पॉइंट। अहिले त पानी परेकोले वेदर अलिक खराब छ। यता चाहिँ गोलटार भन्छ गोलटार भन्छ यहाँ गोलटार यसरी खाएर उयो यहाँ खासमा 10 दिन राख्नु पर्छ नि एउटा मैला पुरा मैला छ। डस्टबिन राख्नु पर्छ हेलो गाइस आज को शॉर्ट टूर हम गुफा पातल यो रोड राम्रो छ, यो रोड देखौँ। ऊ अर्ग्यानिक सब्जीहरू पनि छ यहाँ, अर्ग्यानिक हाम्रो उयो के भन्छ सब्जी भेज। यो मुन्टा चाहिँ कति गरे यसको यसको यो मुन्टा चाहिँ कति गरे यसको रोकौँ ल, यहाँ ब्याग रहेछ ठाडो खालको ब्याग कति गर्छ प्रभु। हेलो दोस्तों, हम लोग अभी यहाँ पर ये गुफा पातल में आ गई हूँ। यहाँ पर रास्ता में 6 माइल बोलता है इसको, ये रास्ता यहाँ पर मिरिक से आता है, ये 26 से 6 माइल बोलता है इस रास्ता इस प्लेस को। और यहाँ पर ये रास्ता है, ये पशुपति से होकर आता है। आप लोग जो भी टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर आकर, यहाँ पर ये व्यू पॉइंट है यहाँ पर गुफा पातल, यहाँ पर आप लोग थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। हम लोग भी आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, देखूँगी आप लोगों को भी एक्सप्लोर करूँगी कैसा है, फिर से दिखाऊँगी आप लोगों को। अभी चलते हैं हम लोग, चलो रास्ता यही है, यहाँ पर रोड में पड़ता है और यहाँ से होकर जाता है। बे रेनी सीजन है ना, इसकी वजह से थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश होता है, थोड़ा थोड़ा धूप भी रहता है। अभी का ये वेदर तो यही सीजन ही यही है यहाँ का। और यहाँ पर होम स्टे भी है, और यहाँ पर तोंगबा भी मिलता है और सेकुआ भी मिलता है। सेकुआ रास्ता यही है, थोड़ा खड़ा खड़ा रास्ता है, आस्ते आस्ते आप लोग जा सकेंगे। एउटा डाँडा पुगिसक्यो पुगाती ए भाई, कति किन पुगे त चोर बाटो नहिँमै है, चोर बाटो नै गयो होला नि त। साथीहरू अहिले चाहिँ यहाँनिर यो गुफा पातल चाहिँ फेमस छ, हामी पनि मुम्बईमा आएको, तपाईँहरू कोही पनि मिरिक भएर 26 भएर यहाँ पशुपति दार्जिलिङ जानुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ रोडमै पर्छ 6 माइल, यहाँ आएर यो भ्यू पोइन्ट के भन्छ टुर गरेर भिजिट गरेर जानु सक्नुहुन्छ। अनि हामी पनि अहिले चाहिँ भिजिटमा छौँ हामी पनि। अब उकालो चढ्नु सकेन साथी, अलिकति साथीहरू बाजे झन् रोक्यो, घरको घरमै बसे चाहिँ यस्तो हुन्छ है, अलिकति हिँड्नु जुगा पनि लाग्छ होला अब त लाग्छ। यही हो गुफा पातल भ्यू पोइन्ट, हजुरहरू आएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। टुरिस्टकै लिए बोल रही हुँ, यहाँ पर रास्तेमै यो गुफा पातल भ्यू पोइन्ट है, आप लोग भिजिट कर
सकेंगे रास्ता से, थोड़ा गुजरेंगे और यहीं पर मिलेगा ये व्यू पॉइंट। बहुत अच्छा है बोल रहे, देखेंगे हम लोग भी, लेट्स सी कैसा है। यस्तो माइक पनि थियो हैन तेरो? थियो माइक लेइन माइक एकदम रन्दैछ। ऊपर हेर्नु टिकट काउन्टर चाहिँ यहाँ हो, यहाँनिर 20 रुपिस गरेर रहेछ टिकट काउन्टरमा चाहिँ है। ल्याउन 100 रुपिया एउटामा, यहाँनिर यी टिकटको 100 रुपिस पाँचजनाको नाम रिसिप्ट बचाउन 20 रुपिस करके है यहाँ पर एन्ट्री फिस। हेलो, हाँ अब सबै बताउ। घटाइदिन्छ क्या त्यो भन्यो भने चाहिँ। यहाँ चाहिँ फ्लावरहरू पनि राम्रो रहेछ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नि हेर्नु यहाँ यी। यो चाहिँ गुपर पातलको बाटो के को भगवान्ले धोती खोलोस् भनेको के भनेको त्यो चाहिँ घाम लागिदियोस् नेपाल 12-13 वर्ष भयो अरे यहाँ खोलेको, अहिले चाहिँ फेमस हुँदैछ नि त यो। यो यस्तो एरिया नेपाल पर्दा है, हम लोग जहाँ पर है अभी वो नेपाल है। फ्लावर फ्लावर विन्टरमा बेसी फ्लावर फुल्छ। कता भयो दुई जना केटाकेटी भन यहाँ हेर्नुहोस्, कति मजाको उयो छ, एयर कन्डिसन एकदम। फुलहरू हेर्नुहोस्, ऊ पर भ्याली धुमै भइरहेको छ। अहिले नै धुम आइहाल्यो, फेरि एकछिनमै वेदर चेन्ज भइहाल्छ क्या, यस्तै हुन्छ आजको वेदर यस्तो छ। त्यही जस्ट यतातिर केही छैन, त्यही त ए खोलिन्छ ए अहिले पुरा फकी भयो, पुरा फकी भयो। गुफा पातल चाहिँ अब यति नै हो है, यहाँ भ्यू पोइन्ट रहेछ यहाँ माथि चढेर, यहाँ बाहिर यता बाहिर साइड चाहिँ पुरा भेली छ है, अब घाम लागेको बेलामा चाहिँ दामी हुन्छ यहाँ बस्नु। अब अहिले चाहिँ पानी पनि पर्दैछ, घाम पनि लाग्दैछ, त्यो भएर चाहिँ हामी अब घुमिसक्यौँ है। हजुरहरू कोही पनि आउनुहुन्छ भनेदेखिको चाहिँ आएर भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ। यति नै हो गुफा पातल चाहिँ, फ्लावरहरू र यहाँ भ्यू पोइन्ट रहेछ। पारिपट्टि चाहिँ नेपालहरू देख्छ, तर अहिले वेदर क्लियरै छैन नि त, यो पनि नेपालै हो। देखिए ये दूर का जो व्यू है, ये नेपाल पड़ता है। और अभी हम लोग जहाँ पर है, जहाँ पर हूँ, ये भी नेपाली है, ये भी नेपाल का एरिया है। और व्यू बहुत अच्छा देखता है, यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन आज वेदर ख़राब होने की वजह से थोड़ा व्यू नहीं दिख पाया, हम लोग देख पाया। ये तो गुरास भेली, बहुत भेली टाइप का है ये एरिया। को गाइज अब हामी चाहिँ फर्केको यहाँबाट है, मजा मजाको फुलहरू चाहिँ रहेछ, फुलहरू चाहिँ दामी दामी रहेछ।
मजा मजा फूल आज अस्त फूलि सके सब फूल फूल राम्रो देख्द रहे तर यहाँ दामी देख्द रहे घाम लगे तो दामी रहे। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, जो व्यू था जो भी था दे आप लोगों को मैंने दिखा दिया, अब फिर से बाद में मिलूंगी। अहिले यहाँनिर सबैजना बसिरहेको छौँ यो उयसको गुफा के अरे गुफापा के अरे गुफापातलको चाहिँ यो भ्यू पोइन्टको छेउमा चाहिँ यो दोकान छ, यहाँनिर चाहिँ तोङ्बा मोमो अनि के भन्छ उयसको के भन्छ यो भैँसीको सुकुटीको पाउँदो रहेछ 200 रुपियाँ अरे। मोमो चाहिँ 40 रुपिस गरेर अरे भेज मोमो भैँसीको उयो सुकुटीको भैँसी चाहिँ 200 रुपियाँ गरेर अरे एक प्लेटको। तातो पानी लाउँदै खाने, चार पानीसम्म खान्छ कि कति पानीसम्म खाने खै हौ खानेले भन्छ हौ, हामी त खाँदैनौँ न, हामी त भैँसी सैँसी खाँदैनौँ न है। भैँसीको सुकुटी म चाहिँ खाँदिनँ तर भैँसी। यहाँ तोङ्बा पार्टीहरू चुस 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 कस्तो रहेछ, के चाहिँ तोङ्बा। यता चाहिँ भैँसीको सुकुटी खाएर सक्नु आँट्यो, यता फेरि अलिअलि लिँदै छ मोमो खाएर सक्यो। यो भाइले चाहिँ उयो खाँदैछ के अरे यसको नाम स्ट्रिङ, यसमा चाहिँ अलिकति हल्का एल्कोहल हुन्छ अरे। मोमो भेज मोमो भाइ भेना खाऊ खान खाऊ न खाऊ नलो चाहिँ खाऊ। अब हामी यहाँबाट चाहिँ चढेको है, यहाँनिर चाहिँ हो दोकान सेकुवा पाउने, हामी चाहिँ अब यहाँ चढेको लु लगाइदिनुहोस् त यो अलिक अलिक बाजे पुगे गर्नु होला भयो होइन, सबैजना बस्यौँ अब चाहिँ गएको गाइस। पशुपतिको अलिकति नजारा देखाउँछु है, त्यसपछि चाहिँ मेरो घर लाग्छ हामीले अब अन्धार पनि केही छैन, बोल्नुको त परै छ हौ, अब सुकपातीको घर सुन्दै हामीलाई किनेर के भन्नु कोही बेला चाहिँ ब्याग हेर्दैछ यता मेरो सिमै छ 200 रुपियाँ पो रहेछ कति महँगो भयो 200 150 150 यो भित्र चाहिँ नेपाल हो, बोर्डर नेपाल।